हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम यूनिट थर्ड के पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली टॉपिक हमारी है एरे। एरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ यानी इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरे क्या होता है, तो एरे एक तरह का क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर ए फिक्स साइज ऑफ सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डेटा को सीक्वेंस में क्या करते हैं, फिक्स साइज के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और सेम डेटा टाइप एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हो गया कि एरे क्या होता है कि अगर हम मान ले जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, ए है, बी है और मान लिया हमने सी है, ऐसे तीन बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। मान लिया अभी के टाइम पे हमारे पास तीन एलिमेंट है, अब इनको हमें क्या करना है कि स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज हमें करना है। अब इसको हम चाहेंगे कि एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर हो। जब हम डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है कि हम किसी भी एलिमेंट को जल्दी सर्च कर पाते हैं, रैंडमली सर्च कर पा सकते हैं, उनका ट्रेवल्सल करना आसान होता है। बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं, प्रोग्रामिंग कम करनी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। अब फिक्स लेंथ का मतलब, अगर एक इंटीजर है तो एरे के अंदर इसकी साइज क्या होगी, 4 byte होगी, ठीक है, ये फिक्स साइज का होगा, तो कह सकते हैं कि एक फिक्स साइज। अब एरे होता क्या है, एरे कुछ इस तरह से एक होगा, इसमें ऐसे ऐसे पार्टीशन बने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एरे कह सकते हैं कि एक तरह का क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम फिक्स साइज ऑफ सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को रखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, एन एरे यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, ये क्या करता है, किसी डेटा के कलेक्शन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ अगर मेजर पॉइंट के बारे में हम बात करें, जो एरे होता है, एरे के अंदर जो सेम डेटा टाइप, सबसे पहले एरे के अंदर सेम डेटा टाइप होगा। अगर वो इंटीजर, अगर मान लो कोई एरे है हमारे पास इस तरह से एरे है, अगर हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं तो सब में इंटीजर ही होगा, अगर स्ट्रिंग रख रहे हैं सब पे स्ट्रिंग होगा, फ्लोट वैल्यू रख रहे हैं सब में फ्लोट होगा, मतलब एक सेम डेटा टाइप की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, सेम डेटा टाइप्स हो और सबकी साइज भी सेम होगी। मतलब हर एक ब्लॉक, जितने यहां नंबर ऑफ ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक की साइज सेम होगी। अगर इंटीजर है तो उसकी बाइट 4 byte की होगी। दैट एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था पहली यूनिट में, आप देख सकते हैं फ्लोट कितनी, फ्लोट की साइज क्या होती है, कैर की क्या होती है, सारी चीजें उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। आगे आप बात करें, जो एरे होता है वो डेटा को एक स्टोर करता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में। अब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब एक तरह का एड्रेस हम कह सकते हैं, ये हमारा एरे है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि अब मान लो यहां इसमें तीन ब्लॉक्स, अब इसका एड्रेस अगर हमने मान लिया 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3, तो जो पहला एलिमेंट है वो 1 में आएगा, ठीक है, ए 1 में आ गया, बी यहां आएगा और सी यहां, तो ये जो एड्रेस है इसका एक कॉन्टिन्यूअस है, एक तरह से उसको कह सकते हैं जो मेमोरी का लोकेशन होगा एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर होता है स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन, जैसे ए हमने स्टोर किया 1 पे हो गया, स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ग्रेटर मेमोरी लोकेशन के अंदर होगा। उसके बाद अब आगे अगर हम बात करें, एलिमेंट ऑफ द एरे कैन रैंडमली एक्सेस, हम क्या करते हैं, जो भी एरे के एलिमेंट होते हैं उनको हम रैंडम तौर पे एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम तौर पे एक्सेस करने का मतलब, अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम चाहें पर्टिकुलर, मान लो अभी यहां 3 एलिमेंट है, मान लो आपके पास बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन है, अब मान लो 1000 उसमें एड्रेस है, मान लो 1000 डेटा है, ठीक है, 1000 डेटा है, अब उसके अंदर हमने कह दिया कि 955 वाले की वैल्यू निकाल, तो अब 1 से स्टार्ट करेंगे 95 तक जाने में टाइम लगेगा, तो इसमें रैंडम तरीके से मतलब जो भी उसका एड्रेस होगा उसके एड्रेस को, अब जैसे बी को एक्सेस करना है तो हमने क्या किया, बी का यहां से एड्रेस, जो भी बी है यहां से 2, इसके इंडेक्स के जरिए क्या करेंगे, बी को हम एक्सेस कर लेंगे। तो मतलब कह सकते हैं रैंडम तौर पे, मतलब किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट हम उसका एक्सेस ले सकते हैं। अब उसके बाद एडवांटेज बात करते हैं कि आखिर सी को, हाँ,
जो एरे है इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो कोड का ऑप्टिमाइजेशन मतलब कम डेटा, कम हमको कोडिंग करनी पड़ती है, एक डेटा स्ट्रक्चर बना के किसी भी डेटा को एक्सेस करना, स्टोर करना, डेटा के अंदर ट्रेवल्सिंग करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, सारे चीजों के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको कम कोडिंग की नीड पड़ती है। उसके बाद हो गया इजी टू ट्रेवल्सिंग। ट्रेवल्सिंग मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर, अगर हम चाहते हैं हर एक खाने के मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे ब्लॉक में विजिट करना, तो जो ट्रेवल्सर होता है, ट्रेवल्सर मतलब क्या होता है कि ट्रेवलिंग होता है, ट्रेवलिंग का उससे ही ट्रेवर्सिंग बना है, ठीक है। ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है हर एक ब्लॉक को विजिट करना, जितने भी ब्लॉक है उसको विजिट करना, तो उसको हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं। उसके कहता है इजी टू स्टोरिंग, किसी भी एलिमेंट को इसके अंदर स्टोर करना, हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जैसे इसके इंडेक्स हो गए, इसके अंदर एरे एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एरे एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। ये क्या होता है, हमारा इंडेक्स होता है। और याद रखें इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब अगर इस पूछे कि इसमें कितने नंबर आप एलिमेंट्स इंसर्ट हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं, वैल्यू 5 नहीं कहेंगे, क्योंकि जीरो भी तो है, जीरो से लेके हमें काउंट करना है। सबसे पहले ब्लॉक का एड्रेस जीरो होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह से एरे इंडेक्स होता है। रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस मतलब किसी भी डेटा को, अगर हम 3 के अंदर जो डेटा रखा है तो उसको हम इस रैंडम तौर पे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एरे के इंडेक्स के हेल्प से, ये जो एड्रेस है ना उसका इंडेक्स, इसके हेल्प से हम डेटा का एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ एरे, एरे कितने तरह के होते हैं, तो एरे जनरली 3 तरह के होते हैं, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 1 डायमेंशन एरे क्या होता है। तो 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, एक तरह की लिस्ट होती है, एक तरह की लिस्ट होती है। लिस्ट क्या होती है, अरे भैया आप बाजार जा रहे हैं, आपको सामान लाना है, तो क्या क्या सामान लाना, आपने जो लिस्ट बनाई है ना, वही 1 डायमेंशन एरे है, ठीक है। मतलब एक ही कॉलम के अंदर, एक कॉलम मल्टीपल रो, मतलब आप क्या करते हैं लिस्ट किस तरह से बनाते हैं, ऐसे ऐसे, फिर इसके नीचे डेटा, ऐसे डेटा को लिखते जाते हैं, तो एक तरह का लिस्ट हो गया। मतलब कॉलम एक है, रो मल्टीपल हो सकते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि 1 डायमेंशन एरे कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जितने भी एलिमेंट के सारे लिस्ट, जो भी एलिमेंट होंगे एक लिस्ट के अंदर, कंटेंट ओनली 1 वैल्यू, सारे एक ही वैल्यू को कंटेन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा अभी कि हमारे एरे के अंदर सेम डेटा टाइप होता है, ठीक है, सेम डेटा टाइप, तो वही वैल्यू कह रहा है कि कंटेंट ओनली 1 वैल्यू, मतलब एक वैल्यू सिर्फ कंटेंट करता है, ठीक है। वेदर वैल्यू, अब उसके बाद वैल्यू क्या हो सकती है, हमारा इंटीजर हो सकता है, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सेम डेटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। डिक्लेयर करने के लिए 3 वैल्यू आता है टिपिकल नीडेड, ठीक है, 3 चीजों की नीड पड़ती है। सबसे पहले हम देखें, अगर इसका बात करें हम कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं एरे को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा टाइप देते हैं, मतलब किस तरह का डेटा होने वाला है, उसके बाद एरे का नाम देते हैं कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू हमको पुट करनी है, उसके बाद एरे की साइज, मतलब हमारे एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे, इन सारी चीजों से हम डिक्लेयर करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझे, अब जैसे कह रहा है कि एग्जांपल टू डिक्लेयर एरे, अब यहां पे एक एग्जांपल कह रहा है डिक्लेयर, अब यहां पे इंटीजर तरह की वैल्यू लेगा, मार्क के नाम से, एक मार्क के नाम से क्या बनाया, एक एरे बनाया, और वहां पे हमने क्या कह दिया, एरे की साइज 5 है, जब 5 साइज है तो कुछ इस तरह से हमने क्रिएट किया। अब यहां पे क्या होगा, पहला इंडेक्स हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3, 4। अब इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, ठीक है, 1, 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और 4। अब नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर का हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू पुट करना, मतलब हर एक ब्लॉक की साइज क्या होगी, 4 बाइट होगी, ठीक है। तो यहां देख लिए डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, मार्क्स हो गया, उसके बाद एरे नेम हो गया, उसके बाद जो भी वैल्यू की साइज, एरे साइज 5 क्या हो गई, एरे साइज जो मार्क्स है ये हमारा एरे नेम हो गया, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। यहां पे हमने डिक्लेरेशन दिया, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इनिशियलाइजेशन कैसे वो करते हैं, सी के अंदर जो भी एरे होता है, एरे का इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट वे तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किस तरह से हम कर सकते हैं देख सकते हैं आप। जैसे हमने क्या किया, मार्क्स 0, मतलब पहले इंडेक्स में अगर वैल्यू हमें डायरेक्ट इंसर्ट करना हो, कि अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करें, वैल्यू देखो इंसर्ट करने के लिए जैसे हमने एरे बनाया, ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू को किस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, तो हमने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स 0 है, ठीक है, इंडेक्स 1 है, उसके बाद इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है और 4 है, ठीक है। देखो कह रहा है कि इंडेक्स जो 0 है उसमें वैल्यू कितनी रखनी है, 18 रखनी है, भैया लो 80 रख दिए। उसमें क्या है, फिर मार्क्स 1 में कह रहा है कि वैल्यू 1 में क्या 60 रखना है,
अब जो इंडेक्स वन है उसमें 60 रख दिया हम, फिर मार्क्स टू इंडेक्स क्या है 70 रखना है इसमें, ठीक है। तो यहां पे ये भी चीजें डिफाइन होती हैं। उसके बाद थ्री हो गया फोर, 85 75, ठीक है, इसमें 85 रख दिया, इसमें 75 वैल्यू हमने क्या किया पुट कर दिया। तो इस तरह से इसका इनिशियलाइजेशन करता है। अब इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं किस तरह से आखिर सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक एरे को हम क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच एक मेन फंक्शन को हमने अपने हेडर फाइल को कॉल किया। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के आगे हमने इंटीजर बनाया, इंटीजर की वैल्यू हमने 0 पास कर दी, ठीक है, वैल्यू 0 पास की। उसके बाद इंट हो गया, अब मार्क के नाम से जैसे मार्क्स हो गया, किसी तरह का मार्क मार्क्स होगा, मतलब कह सकते हैं एग्जाम के अंदर मार्क्स होंगे, कोई भी मार्क्स होगा, तो उसमें कराया डिक्लेरेशन आप एरे 5 एलिमेंट का एरे मिला, मतलब 5 कॉलम होगा इसके पास, ठीक है, 0 1 2 3 4 एक और होगा 5, ठीक है, 5 तरह का 5 ब्लॉक्स होंगे उसके अंदर। कह रहा है पहले ब्लॉक में 80 हमें रख देना है, दूसरे ब्लॉक में 60, फिर 75 जो ऊपर अभी हम समझे वही। फिर ऐसा करने के बाद ये तो हमारा क्या होगा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होता है। यहां पे हमने एरे का क्या किया डिक्लेयर कर दिया कि एरे की साइज क्या होगी, उसके बाद डिक्लेयर किया इनिशियलाइजेशन क्या क्या वैल्यू होगी एरे के अंदर। अब हम एरे का क्या करेंगे ट्रवर्सल करेंगे, ट्रवर्सल करेंगे यानी वैल्यू को प्रिंट करने के अंदर। अब हमने मान लिया कि एरे के अंदर अगर हम मान लें कि कोई वैल्यू नहीं, अभी वैल्यू मान ले वैल्यू है लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने ये वैल्यू को इंसर्ट किया। अब हमें देखना है कि एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है एट ए टाइम। हमने फॉर लूप लगाया, इनिशियलाइजेशन क्या किया 0 से स्टार्ट करो 5 तक, ठीक है, और 1 को जब 0 से स्टार्ट किया तो सबसे पहले मार्क्स आई, मतलब इंडेक्स 0 वाले का मार्क्स को क्या करेगा ये प्रिंट करेगा, ठीक है, यहां पे। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट किया 2 हो गया, 2 फिर क्या करेंगे 5 से छोटा, फिर इंडेक्स 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इसी तरह क्या होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से होगा। उसके बाद यहां पे लूप हमारा खत्म होगा। जब ऐसे करेंगे तो आउटपुट जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे सक्सेसफुली तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे एरे के अंदर क्या क्या वैल्यू है। अब उसके बाद हम अगर बात करें टू डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे की अगर हम बात करें तो ये तरह का क्या मल्टी डायमेंशन एरे होता है। सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि टू डायमेंशन एरे एक तरह का मल्टी डायमेंशन एरे होता है जिसके अंदर क्या होते हैं ये टू डायमेंशन एरे में क्या होता है डिफाइन होता है एक एरे के अंदर एरे एंड एरे और ऑफ एरेस, मतलब एक एरेस किसी एरे का होता है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज बाय एट मैट्रिक्स। जिस तरह से आपने मैट्रिक्स देखा हो जस्ट लाइक उसी तरह टू डायमेंशन एरे करता है, दो वैल्यू पे वर्क करता है। कलेक्शन ऑफ द रो और कॉलम, मतलब जो भी कलेक्शन होगा रो और कॉलम का, मतलब ये हमारा रो वाला होगा और एक कॉलम वाला, तो इन पे वर्क करता है एज इट इज मैट्रिक्स की तरह। अब इनको डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेटा टाइप दे देंगे कि डेटा टाइप क्या होने वाला है, एरे का नाम देंगे। उसके वहां पे देखो एक वैल्यू हम पास कर रहे हैं कि साइज के लिए, अब यहां दो वैल्यू पास हो गए, जो एक्स शो करता है ये क्या करता है कि नंबर ऑफ रोज और वाई क्या शो करता है नंबर ऑफ कॉलम के बारे में, ठीक है। अब डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले यहां पे हमने क्या किया डेटा टाइप पास किया, उसके बाद एरे का नाम क्या होगा, यहां पे रो हो गया कॉलम हो गया। अब इनिशियलाइजेशन देखते हैं, इस तरह से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कंसीडर एग्जांपल देखें, अगर वैल्यू किस तरह से इसके अंदर इंसर्ट होती है, देखें हमने यहां पे क्या किया कि वैल्यू को बना लिया, जैसे यहां पे हमने बनाया कि यहां पे एक मिनट, हाँ टू डायमेंशन एरे हमें बनाना। अब अगर हम क्रिएट करें किस तरह से रो, रो वन में क्या वैल्यू प्रिंट होती है 0 1 1, मतलब ऐसी वैल्यू ऐसा रो जब एरे के अंदर 0 0 दोनों वैल्यू होंगी जब भी इनिशियलाइजेशन इसका करेंगे तो मतलब इसमें वैल्यू पुट होगी, और 0 1 का मतलब कॉलम 1 में होगी, 0 2 का मतलब कॉलम 2 में होगी, और यहाँ 0 क्या शो कर रहा है कि पहले 0 रो में, मतलब रो नंबर 0 हो, और यहाँ दूसरी वैल्यू क्या कॉलम को शो कर रही है। एज इट इज जिस तरह से मैट्रिक्स में काम होता है, मैथ की मैट्रिक्स काम करती है, एज इट इज टू डायमेंशन एरे उसी तरह से काम करता है। अब इसमें क्या हो गया, जिसे इंट कर दिया टू डायमेंशन एरे, अब इसको डिक्लेयर करने के लिए इंट टू डायमेंशन एरे हमने इसका नाम लिया टू डायमेंशन, उसके बाद 3 और 4, 3 क्या दिखा रहा है 3 तो कॉलम होगा, देखो 1 2 और 3, 3 कॉलम हो गया 4 रो, और यहाँ पे 4 रो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 4 है। तो इस तरह से इसका, अब इनिशियलाइजेशन की बात करें किस तरह से इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, तो देखो वैल्यू पुट करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ 3 और 4 यानी 3x4 की मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर ली, एक एरे डिजाइन कर लिया, एरे डिजाइन किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो पहली वैल्यू होगी देखो 0 1 2 3, मतलब ये पहले वाले रो में, यहां वाले 0 इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 3 इसमें, ये पहले रो की वैल्यू हो गई, ये दूसरे रो की वैल्यू हो गई, तीसरे रो की वैल्यू हो गई। देखो यहां पे कहा ना इनिशियलाइज बाय रो इंडेक्स बाय 0, ठीक है। अब रो की
वैल्यू इंडेक्स जीरो से होगा, यहां से फिर रो नंबर वन की होगी, जैसे रो का इंडेक्सिंग भी होता है उसी तरह से होगा। अब आगे बात कर टू डायमेंशनल एरे के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंक्लूड डॉट, यहां पे हमने क्या किया, अपने हेडर फाइल को कॉल किया, मेन फंक्शन हो गया। अब यहां पे वहां पे हमने क्या, वन डायमेंशन में सिर्फ हम आई इज इक्वल टू जीरो लिख रहे थे, यहां पे दो वेरिएबल लेके चलेंगे, क्योंकि पहला जो आई होगा वो रो के लिए काम करेगा और जो जे होगा वो कॉलम के लिए वर्क करेगा टू डायमेंशन के अंदर। अब देखो एरे को हम इंट एरे किए, फोर कॉलम होगा यहाँ पे और थ्री हमारे पास क्या होंगी, एक मिनट, फोर रो होंगी, थ्री क्या होंगे, कॉलम होंगी। अब पहले रो के अंदर, पहले रो के अंदर पहली वैल्यू वन होगी, अब पहले रो होगा, दूसरा कॉलम होगा जिसकी वैल्यू टू होगी, मतलब पहले रो के अंदर ए वैल्यू आएगी, दूसरे रो के अंदर ए वैल्यू आएगी, तीसरे रो के अंदर ए, चौथे रो के अंदर ए। अब ट्रवर्सिंग करना है, ठीक है, ट्रवर्सल किस तरह से हम करते हैं कि आखिर ट्रवर्सल करने के लिए क्या क्या करना है। अब देखो इसमें हमें नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, नेस्टेड लूप जिसके अंदर लूप के अंदर लूप होता है, फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पे, फॉर लूप में क्या हो गया, आई इक्वल टू जीरो मतलब आई जीरो से स्टार्ट करो और चार तक, मतलब चार क्या है, आई किसके लिए है, रो के लिए डिक्लेयर हुआ, तो रो क्या है, चार, चार तक चलो भैया, उसके बाद ए प्लस प्लस हो गया, उसके बाद जे के लिए हो गया, तो इसको प्रिंटअप जब करेंगे आई जे और एरे इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें इस तरह से प्रिंट होके आएगी, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा तो जस्ट लाइक उसी तरह से वर्क करता है। जैसे पहले जीरो जीरो की वैल्यू वन हो गई, फिर जीरो वन की मतलब रो जीरो होगा कॉलम वन होगा उसमें वैल्यू टू हो गई, रो जीरो कॉलम टू में वैल्यू थ्री, रो वन हो गया और फिर उसके बाद कॉलम जीरो हो गया वैल्यू टू हो गई। तो इस तरह से वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं टू डायमेंशन एरे के अंदर। अब बात करें मल्टी डायमेंशन एरे, तो मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, हियर जनरल फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशन एरे डिक्लेयर। मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर जैसे टू डायमेंशन एरे था उसमें सिर्फ हम एक्स और वाई दो वैल्यू लेते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे साइज वन हो गई, साइज टू हो गई, साइज यन तक ले सकते हैं, ये इसका क्या था, डिक्लेरेशन था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन एरे की, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फाइव टेन और फोर, इस तरह से कुछ तरह से एग्जाम्पल होगा। मल्टी डायमेंशन एरे पूछे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है, ज्यादातर चांसेस बनते हैं टू डायमेंशन एरे और वन डायमेंशन के बारे में, ठीक है। अब बात करें कि पासिंग एरे टू फंक्शन, किसी भी एरे को फंक्शन से कैसे पास करते हैं, तो इस चीज को देखें, इफ यू वांट टू पासिंग सिंगल डायमेंशन एरे एज एन आर्गुमेंट इन फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक सिंगल डायमेंशन एरे को एज ए आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपने फंक्शन कॉल किया, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे पास की जाती है, यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है और ए, तो वहां पे होता है उसको फंक्शन, उसको बोलते हैं पास करना। अभी इस चीज को जब हम फंक्शन वाले चैप्टर को देखेंगे, यूनिट फोर को देखेंगे, तो उसमें हमें ज्यादा चीजें समझ में आने वाली, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो, तो उसको जरूर आप देखिए। तो कह रहा है कि जब भी किस तरह से करते हैं, तो यू वुड यहाँ पे कह रहा है कि डिक्लेयर फॉर्मल पैरामीटर, हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है फॉर्मल पैरामीटर को वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वे, इसके तीन तरीके हैं किस तरह से हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वे को देखिए, फॉर्मल पैरामीटर एज ए पॉइंटर, सबसे पहले तो हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। अब पॉइंटर क्या होता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी यूनिट फाइव, ठीक है। तो यूनिट फाइव के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो पॉइंटर को अच्छी तरह से देखेंगे। अभी के तौर पे मैं बता दूं तो पॉइंटर क्या होता है कि किसी भी एड्रेस को पॉइंट करने का काम करता है। अगर हमने वेरिएबल वी लिया है तो वेरिएबल वी के एड्रेस को क्या करता है, पॉइंटर डायरेक्ट पॉइंट करता है। तो यहाँ पे वाइड मेन हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन माई फंक्शन के नाम से हमने बना दिया, उसके बाद इंटीजर वैल्यू होगी, एरे का नाम हमने पास कर दिया, उसके बाद जो भी एरे होगा उसकी वैल्यू को हम पास कर दें। फॉर्मल टू में क्या होता है, पैरामीटर में साइज आप एरे की साइज के हिसाब से करते हैं। अब इसमें वाइड माई फंक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, एरे नेम और यहाँ पे साइज हमने उसका दिखाई दिया। उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर अनसाइज एरे की बात करें, अनसाइज एरे में क्या होता है कि एरे नेम होता है और यहाँ पे अनसाइज बिना साइज के हम डिक्लेयर करते हैं। इस सारी चीजों को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगी। पासिंग एन एरे टू फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है, हमको पास करना है एक एरे को फंक्शन में, ठीक है। तो किस तरह से पास करेंगे, जैसे यहां पे हमने include dot studio लगाया, ये हमारी header file हो गई, आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, int हो गया, अब mean array मतलब minimum array, ठीक है। mean array के नाम का एक function हमने बनाया जिसके अंदर हमने int किया, मतलब जो भी array होगा उसमें जो भी data हम store करेंगे integer type की value होगी। अब array हो गया, ठीक है, एरे की साइज हमने डिफाइन नहीं किया है, इंट साइज यहाँ पे जो भी एरे की साइज होगा उसको डिफाइन करें। अब देखो इंट मेन हो गया, एरे हो गया, एरे
को जीरो, अब आई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब फॉर लूप हमने लगाया आई इज इक्वल टू वन, अब जब तक इसकी साइज एरे की जो साइज है तब तक हमें प्रोग्राम को रन करना, इफ कर रहा है कि जो भी मिनिमम एरे की साइज है मिन इज ग्रेटर देन एरे की वैल्यू आई तक, तब वहां पे क्या होगा मिन एरे इज इक्वल टू एरे हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द फॉर लूप हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न कर देंगे, उसके बाद ये हमारा तो फंक्शन हो गया, ये जो हमारा था यहां से यहां तक फंक्शन था यहां तक, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, जहां मेन फंक्शन होता है वहीं से हमारा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट होता है। उसके बाद int इज इक्वल टू जीरो हमने और मेन इज इक्वल टू जीरो दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। दो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद जो भी यहाँ पे इंटीजर नंबर है, अब इंटीजर नंबर के अंदर जो भी नंबर हम क्या क्या पास कर रहे हैं, मतलब जो भी एरे था एरे के अंदर हमने नंबर पास किए 4, 5, 7, 3, 8, 9, ठीक है। अब मिनिमम एरे इज इक्वल टू नंबर कितने हो गए, 6 नंबर हो गए, पासिंग एरे विद द साइज, अब एरे की साइज को हम पास कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें हो जाने की। अब देखो मिनिमम मिनिमम का हमारा एरे वो फंक्शन का नाम था, ठीक है, फंक्शन के नाम में हमने एरे की साइज पास कर दिया, प्रिंट कर दिया मिनिमम नंबर और मीन कर दिया रिटर्न। जब मिनिमम नंबर इस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एरे के साथ हम वर्किंग करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।